नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो दोस्तों, एक बहुत ही मजेदार चीज लाया हूं। 2019 में एक नया फॉर्मूला आया है, वो आया है स्विच, स्विच फॉर्मूला। हालांकि ये स्विच फॉर्मूला पहले वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में था, वीवीए कोड्स के जरिए हम यूज करते थे, बट आप नॉर्मल एक्सेल में भी लगाया जा सकता है, वो भी 2019 वर्जन में। तो कैसे होगा, इसको लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली 30 से 40 वीडियोस अपलोड करता हूं इस चैनल पे। तो डेली 30 से 40 वीडियोस की नोटिफिकेशन आप आएगी, नए टॉपिक सीखने को मिलेंगे, और साथ में कभी भी कोई दिक्कत हुआ तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, कभी भी कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, स्काइप कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक बिना टाइम गंवाए। तो सबसे पहले देखिए कि स्विच फॉर्मूला की जरूरत कहाँ पड़ती है। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कि मंथ आया हुआ है कि 1 2 3 4 5, तो अगर हम मान लीजिए कि मुझे चाहिए कि 1 के जगह पे जैन आए, 2 के जगह पे 5 आए, तो उसके लिए हम यहाँ इफ फॉर्मूला लगा सकते हैं कि इफ दैट इज इक्वल टू 1 तो यहाँ पे जैन आए, फिर अगेन इफ दैट इज इक्वल टू 2 तो 5 आया। तो इस तरह से मुझे 12 इफ लगाने। अब मैं 12 इफ से बचने के लिए मैं यहां पे, क्योंकि मैंने देखा कि मेरी जो इनपुट है सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे सीक्वेंस रही, कोई गैप नहीं है। तो हम यहां पे, क्योंकि यहां पे चाहिए इंडेक्स नंबर, मतलब कि सीक्वेंस में, यहाँ पे उसी सीक्वेंस से आप डाल रही थे, इस पे इफ डालने, इफ बार बार इफ लगाने से बच जाएंगे कि फैब सिर्फ इनपुट डाल दीजिए आप मार्च अप्रैल मई, इस तरह से आप डालते चले जाइए। और भी आगे तो क्या होगा कि अगर 1 आएगा तो पहले वाले वैल्यू को दिखाएगा, 2 आएगा तो दूसरे कॉमन वाले वैल्यू को दिखाएगा, 3 आएगा तीसरे, सिक्वेंसली वो अपने आप को ये कर लेगा, अपने आप को देख लेगा कि भाई कहाँ पे 3 आया, मतलब कि 1 2 3 और तीसरे पे चला जाएगा। लेकिन कब क्या हो, जब मेरे पास डिफरेंट डिफरेंस नंबर्स हो, सिक्वेंस हो 1 5 7 हो या 100 200 500 हो, तब तो चूज काम नहीं करेगा, वापस मुझे इफ पे ही जाना पड़ेगा। नेस्टरीफ मान लीजिए मेरे पास 20 25 है, तो 20 25 इफ लगाने पड़ेंगे। तो उससे बेटर है कि हम यहाँ पे स्विच का फॉर्म लगा दें। स्विच हमने सेलेक्ट किया किसको, रेफरेंस को, क्या होना चाहिए, तो मैंने बोला W1 होना चाहिए। तो क्या चाहिए रिजल्ट, तो हमने बोला हमें चाहिए दिल्ली, क्या वैल्यू हो तो W2, क्या चाहिए तो चाहिए मुंबई, मुझे यहाँ पे बच गया। 3 3 क्या चाहिए, कोलकाता, फोर फोर क्या चाहिए, चेन्नई। इसी तरह से आप देते चले जाइए, यहां पे आपको नेस्टेड इफ से बच जाएंगे। तो चूज सीक्वेंस के लिए काम करता है, लेकिन अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हो तो उसके बिहाफ पे आप यूज कर सकते हैं स्विच का फॉर्मूला। जी हाँ, स्विच का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये आपके फॉर्मूला मार के लॉजिकल कैटेगरी में आपका आता है स्विच का फॉर्मूला। तो मेरे चैनल पे इसी के ऐसे ही बने रहे, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे साथ लाइव क्लास, जी हाँ, 1 to 1 लाइव क्लास लेना चाहते हैं, तो मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं, डेमो क्लास का फॉर्म फिल करें और 3 4 डेमो लेके देखें, अच्छा लगा तो कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, डिटेल्स मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। या फिर आप मेरे रिकॉर्डेड पेन ड्राइव चाहते हो, कि यूट्यूब पे मैंने प्रमोशनल वीडियो डाले हैं या फिर क्लासेस की वीडियो डाले, सीक्वेंस में नहीं है, पूरी नहीं है, आपको पूरी सीक्वेंसली अपडेटेड वीडियो चाहिए विद एग्जांपल फाइल्स,
तो आप मेरी पेन ड्राइव को परचेज कर सकते हैं। पेन ड्राइव के परचेज करने पे मिलेगा मेरा टेलीफोनिक सपोर्ट, कभी भी मुझसे प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप पेन ड्राइव भी परचेज कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाके डेमो क्लासेस का फॉर्म भर सकते हैं। तो फटाफट मेरे नंबर को मोबाइल में स्टोर कीजिए और व्हाट्सएप पे एक हाय लिख के भेजिए ताकि मैं आपको डेली बेसिस पे यूट्यूब की लिंक्स भेजा करूं। थैंक्स।